इन द नेम ऑफ अल्लाह असलकम डर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन सेशन ऑफ सोशल क्लास डयर स्टूडेंटस टूडे आवर न्यू यूनिट स्टार्ट दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी जी हाँ आज जो हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है ये है चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी तो इसमें जो हमने आज टॉपिक है या जिस मौजूब पे हमने आज बात करनी है ये है रूरल सोसाइटी क्या है रूरल सोसाइटी रूरल सोसाइटी को हम ऐसे बयान कर सकते हैं रूरल सोसाइटी इन विच देयर इज अ लो रेशियो ऑफ इनहेबिटेंट टू ओपन लैंड एंड इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एग्रेरियन एक्टिविटीज ठीक है एक छोटी सी आबादी जो एक ओपन लैंड में रहती है ठीक है और यहाँ जो इनका खास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या इकोनॉमिक या इनका जो प्रोफेशन होता है दैट इज एग्रीकल्चर दैट इज एग्रीकल्चर ठीक है वी कैन से देयर इज ए लो रेशो ऑफ इन्हेबिटेंट टू ओपन लैंड यहाँ पे जो होते हैं ओपन लैंड सिस्टम मतलब बिल्कुल एक खुली जमीन होती है और यहाँ पे आबादी जो होती है वो कम होती है इन स्पाइट ऑफ अर्बन एरिया और क्या होता है यहां पे जो इनका एक खास प्रोफेशन होता है और वी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है डेट आर देट आर एग्रेरियन एक्टिविटीज इनका जो ज्यादा मतलब प्रोफेशन है या ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड और एक और बात भी है यहां जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है और वी से जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज है वहां पे जो है ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन फ्राम अर्बन टू रूरल फ्राम अर्बन टू रूरल और जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज है और वी कैन से डेवलपड सोसाइटीज है वहां पर जो ये ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज फ्राम रूरल टू अर्बन रूरल टू अर्बन जहां पर इनको ज्यादा जॉब मिलती है ठीक है और एक और खास बात इसमें यह है कि जो रूरल एरिया की जो बाउंड्री पिन पॉइंट इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द बाउंड्रीज ऑफ रूरल एरिया बिकॉज क्राइटेरिया जो है इट वेरीज इट वेरीज हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल, इंडिया में है कि, कि किस एरिया को अर्बन डिक्लेयर किया जाए और किस एरिया को रूरल डिक्लेयर किया जाता है ठीक है क्राइटेरिया वेरीज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वी कैन सेन कंट्री टू अनदर कंट्री ठीक है इसमें जो कुछ चीजें होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान की बात करते हैं क्या करते हैं बात जापान की तो वहां जो है ए कलस्टर ऑफ लेसर देन थर्टी थाउजेंड ए कलस्टर ऑफ लेसर देन थर्टी थाउजेंड जो भी एरिया है या जो भी कोई मतलब कलस्टर है वहां की आबादी जो है बिलो थर्टी थाउजेंड उसको वहां पे कहा जाता है दैट इज अर्बन एरिया दैट इज अर्बन एरिया ठीक है जो एरिया जिस एरिया की पॉपुलेशन थर्टी थाउजेंड से कम है उसको वहाँ पे क्या किया डिक्लिया जाता है रूरल एरिया और थर्टी थाउजेंड जब पार करती है तो उसको वहाँ डिक्लेयर किया जाता है अर्बन क्या किया जाता है अर्बन इसी तरह अल्बानिया में जो है वहाँ पे जो मतलब फॉर एग्जांपल किसी एरिया को इन्होंने मतलब पिन पॉइंट किया तो वहाँ पे जो उस एरिया की आबादी मोर देन फोर हंड्रेड मोर एरिया की आबादी है या जिस कलस्तर की आबादी मोर देन फोर उसको वहां पे अर्बन डिक्लेयर किया जाता है तो इसका क्राइटेरिया जो है इट वेरियज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री अब हमने जो आगे इस पे बात करनी है दैट इज रूरल सोसाइटी के जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वी कैन से मेन फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी ये हमारा इंपॉर्टेंट इसमें कंसर्न है इसको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है साइज ऑफ द कम्युनिटी साइज ऑफ द कम्युनिटी सिंपल सी बात है हमने पहले ही कहा कि लो इनहेबिटेंट होते हैं यहाँ पे और वी कैन से लो पॉपुलेशन होती है तो इसलिए जो साइज ऑफ कम्युनिटी रूरल एरिया में थी इट इज ए स्मॉलर देन अर्बन एरिया यहाँ पे जो है आबादी कम होती है सबसे पहला मतलब इसका खास फीचर यह है कि रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम होती है किससे शहर से ठीक है दूसरी बात डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन एरिया लिविंग इन एन एरिया हमने यह बात की कि दियर इज अ लो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट लिविंग इन ओपन लैंड यहाँ पे जमीन ज्यादा होती है लेकिन पॉपुलेशन कम होती है इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो भी कम होती है डेंसिटी मीनस कि एक बहुत बड़ा एरिया है इसमें कुछ ही घर रहते हैं ठीक है इस गाँव का एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन इसमें कम है इसलिए यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो कम होती है जबकि शहरों में जो होती है डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे जमीन कम होती है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होती है यहाँ पे जमीन ज्यादा होती है लेकिन पॉपुलेशन कम होती है कहां पे रूरल एरिया में दूसरा पर। तीसरा पॉइंट इसमें ये है जो मेन सोर्स ऑफ इनकम और वी कैन से मेन ऑक्यूपेशन जो होती है दैट इज एग्रीकल्चर दैट इज एग्रीकल्चर हमने पहले कहा कि द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देर एग्रेरियन एक्टिविटीज वहां की जो उनका जो खास ऑक्युपेशन है या जो उनका खास प्रोफेशन है गांव के लोगों का वो क्या होता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ठीक है और वी कैन से द फंडामेंटल ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल एरिया इज एग्रीकल्चर ठीक है चौथा पॉइंट जो है या वी कैन से चौथा खास फीचर है दैट इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद नेचर क्लोज कॉन्टेक्ट विद नेचर जब भी गांव की बात हम करते हैं तो यहां पे जो है इनका जो खास हमने पहली बात की कि एग्रीकल्चर के साथ इनकी इनकी एक मेन एक्टिविटी ये एग्रीकल्चर इसलिए इनका जो कांटेक्ट वो ज्यादा नेचर के साथ रहता है वाटर बॉडीज इसी तरह फॉरेस्टस इसी तरह हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एनिमल्स इनके साथ इनका खास कांटेक्ट रहता है। जबकि अर्बन एरियाज में ये नहीं है अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज होती है व्हीकल्स होती है वहां पे मतलब बहुत सारी बाकी चीजें लेकिन गांव में जो इनका खास कॉन्टेक्ट है वो किसके साथ रहता है नेचर के साथ रहता है ठीक है नेचर इन्वामेंट के साथ इनका खास कांटेक्ट रहता है द अनदर वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द अनंदर वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑन कास्ट यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है गाँव में ये ज्यादा रिजिड होता है इन स्पाइट ऑफ अर्बन एरिया तो यहाँ पे जो है द रूरल सोसाइटी डिवाइड इंटू वेरियस स्ट्रट ऑन द बेस ऑफ कास्ट जिस तरह हम यहाँ कहते हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट ये गाँव में ज्यादा पाई जाती है ठीक है द अनदर वन इज सोशल सोलिडेरिटी सोशल सोलिडेरिटी सोशल सॉलिड इज ग्रेटर इन विजेज एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं गाँव में जो सोशल सॉलिडेरिटी है वो वो शहरों में नहीं पाई जाती है यहाँ पे जो है लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पे लोग एक दूसरे के मतलब है, गम में शरीक होती है एक दूसरे की खुशियों में शरीक होती है जबकि शहरों में ये चीज़ें नहीं वहाँ तो एक लोग एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो शहर जो होते हैं एमरेज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मतलब एक एक बंदा एक एरिया से आता है दूसरा दूसरे इनके मतलब इन जो कांटेक्ट होता है सोशल कांटेक्ट वो इनमें ज्यादा नहीं होता जबकि गांव में जो होती है ये सोशल सोलिडेरिटी खासकर इनके कस्टमर जो होते हैं ये ज्वाइंटली इनको सब, जिस तरह फेस्टिवल्स होते हैं इनको ज्वाइंटली सेलिब्रेट करते हैं ठीक है सोशल सेलिडेरिटी द लास्ट वन इज्वाइंट फैमिली द लास्ट वन इजट फैमिली गाँव की एक और खास बात यह है यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है यहाँ पे होते हैं मतलब टेन मेबर्स इन ए फैमिली ट्वेल्व फिफ्टीन और विकेन से लार्ज फैमिली आर दियर इन विलेज जबकि शहरों में ऐसा नहीं तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती है दो या चार फैमिली मेम्बर्स ज्यादा से ज्यादा लेकिन गांव में जो थी ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम होता है फादर मदर डियर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ठीक है ग्रैंड डॉटर्स एंड ए फैमिली तो गांव की एक और खास बात यह है कि दे इज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक है तो दीज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी थैंक यू